अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का तो कोई व्लॉग नहीं बना, मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, 4 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। आप लोगों को मेरे फेस से पता भी चल रहा होगा क्योंकि पॉडकास्ट की वीडियो एडिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, फिर मेरी कुछ अपनी भी मसरूफियात थी, इस वजह से व्लॉग आज का नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा यार मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊँ जो अभी मेरे साथ हुआ है, उससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे। आप लोग क्या सभी रिलेट करेंगे उस स्टोरी से, क्योंकि वो सबके साथ होता है, सिर्फ वो मेरे साथ मसला नहीं है, सबके साथ मसला है। तो मैं अपने कज़न की भी शादी में बिजी था, वहाँ आप लोगों ने बारात का व्लॉग देखा ही होगा, और वलीमे में मैं नहीं बना पाया, तो उनकी शादी भी ख़त्म हो गई। अब मैं फ्री हूँ तो इंशाल्लाह कल से अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा। लेकिन जो मैं 1 मंथ की चैलेंज था 1 मंथ, वो पूरा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ वीडियो अपलोड हो रही है कोई ना कोई, ठीक है, वीडियो गेम्स की वीडियो मैंने डाली थी, पॉडकास्ट की वीडियो डाली थी, वीडियो लाजमी अपलोड हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज का अपना ब्लॉग तो नहीं बोलेंगे, इसको स्टोरी बोलेंगे। तो फिर करते हैं स्टार्ट। स्टोरी कुछ ऐसी है, मैं गया हुआ था किसी के शादी में, ठीक है। मैं जाता नहीं हूँ लेकिन फोर्स की वजह से, पापा की फोर्स की वजह से मैं गया किसी की शादी में। वो होता है ना कि आप किसी की शादी में जा रहे हो तो काफ़ी सारे आपके अपने आए होते हैं, ठीक है, आपसे पूछताछ कि क्या करते हैं आप, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी हुआ, मैं बैठा हुआ था, मैं आप लोगों को पता मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। तो उधर अपने आए हुए थे सारे अपने थे, तो उन सब में से किसी एक ने मुझसे पूछा आप क्या करते हो। उनको पता है मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे पूछा आप क्या करते हो, मैंने उनको एक बार बोला कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, ठीक है। दूसरी बार फिर पूछा, फिर मैंने उनको बोला मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। यार अब उनका माइंड ये चल रहा था कि इसको आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करनी है। अब जब उन्होंने तीसरी बार पूछा ना कि आप क्या करते हो, तो मैं भी सोचा यार एक बंदा 2 मरतबा बता चुका आपको, ये तीसरी मरतबा बता रहे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करो, फिर भी आप बार बार उससे एक ही चीज़ पूछ रहे हो कि आप क्या करते हो। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, इनको मैं बताता हूँ अच्छे से कि मैं क्या करता हूँ और मेरा प्लान फ्यूचर क्या है। मैं अपना मोबाइल रखा, मोबाइल तो मैं किसी के सामने यूज़ नहीं कर रहा था, बस थोड़ा बहुत रख दे रहा था क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। मैं अपना मोबाइल रखा, मैं बोला जी बोले। अब मैं ना तकरीबन अपने फर्स्ट बार अपने ख़ानदान वालों से, अपने अजीज से, ठीक है, मेरे जो सारे अपने आए हुए थे, फर्स्ट बार मैं 1.5 से 2 घंटे उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई है। सब बैठे हुए लाइन से, सारे एक साथ बैठे हुए, आपको पता है ना कि जब आप जाते हो तो सब एक साथ ही बैठे होते हैं, फिर एक दूसरे से पूछना कि क्या कौन क्या जॉब करे, कौन क्या जॉब नहीं करे। मैंने उनको कहा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करो, अभी इंशाल्लाह मुझे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगी, फिर उसके बाद मैं करूँगा BS मास कम्युनिकेशन। तो उन्होंने पूछा BS मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने उनके सामने BS मास कम्युनिकेशन की पूरी डायरी खोल के रख दी कि BS मास कम्युनिकेशन ये होता है। क्योंकि यार आप जिस फील्ड में जा रहे होते हैं ना, आपको पता होता है कि इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जब मैंने उनको सारे सब चीज़ बता दी, वो भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, यार जब आप अपने फील्ड के हो ना, ठीक है, आप अपने फील्ड में कामयाब हो, तो जो मैं हूँ ना अपने फील्ड में, मैं अपना सोच के रखा है कि यार मेरा फील्ड ये, ठीक है, इसमें मैं कामयाब हूँगा, तो आप उसको डिमोटिवेट नहीं करो कि यार आपका ये फील्ड है, इस फील्ड पे क्यों नहीं आना चाहते। अब जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग हूँ, तो दूसरा मुझे बोले यार आप CIT में क्यों नहीं आते, आप DIT में क्यों नहीं आते,
आप एमएस ऑफिस में क्यों नहीं आते, आप इसमें क्यों नहीं आते, इससे इंसान हो जाता बहुत ज्यादा डिमोटिवेट। ठीक है, अब मुझे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अब मैं भी सोच रहा नहीं यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, मैं पता नहीं कामयाब हूँ नहीं। देखो कामयाबी देने वाली अल्लाह की जात है, सबको कामयाबी देती है। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपने रब पे भरोसा है कि मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, वैसे ये बंदा हर काम करता है ना वो यही सोच के करता है, नहीं यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सबर कर रहा हूँ, मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, अब आप उसको, आप उनके टोन से लग रहा है कि वो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो मेरे मुंह के सामने बोले नहीं यार मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप अच्छा जा रहे हो, लेकिन उनके टोन से इंसान समझ जाता है कि कौन मुझे मोटिवेट कर रहा है, कौन डिमोटिवेट कर रहा है। तो यार आप जिस रास्ते में चल रहे हो ना उसी रास्ते में चलते रहो, क्योंकि रास्ते 100 होते हैं, इंसान अगर 100 जगह जाए ना कामयाबी किसी में भी नहीं मिलती। ठीक है, आप देखो लाइफ में ना आप सिर्फ अपनी सुनो और अपने पेरेंट्स की सुनो, हमेशा कामयाब रहोगे, दूसरे की बातें मत सुनो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे से आगे निकले। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उधर सारे बैठे हुए थे अपने, उन्होंने कहा यार देखो कि लड़का कुछ ना कुछ है, इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग करना आसान बात नहीं है, व्लॉग डेली बनाना कोई आसान बात नहीं है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं और आप लोग माशाल्लाह मुझे इतना प्यार दिखाते हैं, आप लोगों का तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो उन्होंने यही कहा कि यार लड़का इतनी मेहनत कर, आप इसको मानो, नहीं यार ये चीज लड़के में कुछ तो कुछ बात है कि लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी मेहनत करने के बाद भी आप उसको डिमोटिवेट करो, नहीं यार ये चीजें नहीं है, नहीं यार ये चीजें नहीं है। देखिये आजकल की जो हमारी जो जनरेशन है ना वो क्या देखती है, अगर मैं जितना भी एजुकेटेड हूँ, ठीक है, अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ ना, ठीक है, आजकल की जो हमारी जनरेशन है और आजकल की जो माइंड है, अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ ना मेरी कोई इज्जत नहीं है, भले मैं डबल मास्टर किया हूँ, मैं कुछ भी किया हूँ, अगर वही चीज में अगर मैं मैट्रिक किया हूँ मिसाल के तौर पे और मैं जा रहा हूँ सिविक गाड़ी पे ना, तो मेरी बहुत इज्जत है, अच्छे अच्छे लोग सलाम करेंगे कि यार नहीं लड़की के पास पैसा है। आजकल की जो जनरेशन है वो पैसा देखती है, वो ये नहीं देखती कि आप कितने एजुकेटेड हो आप, एजुकेशन को मैं गलत नहीं बोल रहा, स्टडी खराब नहीं होती, स्टडी है, आप स्टडी कंटिन्यू करो, पढ़ाई जारी रखो, लेकिन क्या आपके पास माल होना लाजमी है, ये आपके लिए एक लाजिम चीज है कि आपके पास पैसा होना लाजमी है, तभी सब आप लोग आपको सलाम करेंगे, वरना कोई नहीं पूछता आजकल के दौर में। तो कहने का मकसद यही था कि यार आप किसी को डिमोटिवेट नहीं करो। ठीक है, अगर 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 कोई करता है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, अगर कोई करता है उसकी बातें आप मत सुने, बिल्कुल ऐसे इग्नोर मारे ना, इग्नोर मारना सीख जाओ, लाइफ में कामयाब। ठीक है, अगर कोई पीछे कुछ बोलता है ना, पीछे घूमो ही मत, वरना हमेशा के लिए पीछे घूमते हुए रह जाओगे। जहां जा रहो अपने रास्ता अपनाते रहो, कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो और कामयाबी नहीं मिले, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी कामयाबी मिलेगी। देखिए मिसाल के तौर पे अभी ना जब हमारी सारी बातें हो गई ना, तो मैंने उनको काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की। ठीक है, मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा, जैसे अपने फील्ड के बारे में मैंने सब चीज़ बताया, तो सारे बैठे हुए थे, सबने कहा नहीं आशिक तुम जो कर रहे हो बेस्ट है, करते रहो। ठीक है, तो वो सिर्फ उनका मकसद ये था ना कि मुझे वो सिर्फ एक होता है ना इंसान का मकसद होता है, नहीं यार ये लड़का ना आगे स्टडी कंटिन्यू रखेगा, आज इसको घसीटते देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है, तो मैं किसी से मिलता नहीं, फर्स्ट बार मिला, मैंने बोला चलें आज होती है अच्छी तरह गुफ्तगू, देखते हैं कि कौन कितना समझा लेता है। काफी सुना है घर वालों से कि ये बंदा ऐसा अच्छी समझाता, आप मिला करो, मैंने बोला चलो मिलते हैं, क्या बात होती है, मिला, समझ में आया कौन लोग कैसे। अब जाके मुझे समझ में आया कि बैठना चाहिए अपने अजीजों के साथ, तो पता चल जाता कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो काफी देर तक हम लोग बैठे रहे, बातें वगैरह हुई। अब लास्ट में उनके जो अल्फाज थे ना वो सिर्फ यही थे, गुड शेवी गुड, ऐसी करते रहो। ठीक है, लेकिन मैं समझ गया था कि अभी भी वो खुश नहीं है,
अभी भी वो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं अपने बाबा के पैसों पे जीने वाला, अपने याशी करने वाला लड़का, मैं किसी की बात सुनता नहीं, सिर्फ अपने मामा पापा की सुनता, उसके बाद तो मैं किसी की भी बात नहीं सुनता। अगर है ना मैं अपनी भी बात नहीं सुनता हूँ, मैं वैसा लड़का हूँ। मैंने सुना आखिरी में जब लास्ट में जब वो जा रहे थे तो उसने मुझे ऐसे सलाम किया, बोला गुड स्टडी कंटिन्यू रखना। मैं भी हंस के गया, मैंने बोला इंशाल्लाह स्टडी मेरी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, और अपने यूट्यूब में काम करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, मुझे ज़रूर मिलेगी। तो देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इंसान लोग आपको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं कि यार आप ये चीज़ नहीं करो, ये चीज़ नहीं करो, ये चीज़ नहीं करो, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप हरगिज़ उनके बातों में नहा नहीं जाए, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको लाजमी कामयाबी मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप देखें अब वो मुझे बोल रहे हैं कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इंसान जब आगे पीछे भागता है ना, ठीक है, इंसान जब आगे पीछे भागता है उसको फिर कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है। आप जो अपना काम कर रहे हैं आप उस पर काम करते रहे। आपको मिसाल के तौर पर अगर मैं आज की जनरेशन पे बताऊंगा, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखना और मास्टर डबल मास्टर करना, देखिए आजकल जो स्टडी है ना वो ऐसी है कि अभी अभी मिसाल के तौर पे मेरी 18 एज है, ठीक है, अगर मैं डबल मास्टर करता हूँ टाइम लगता है, ठीक है, एक करने में आपको तकरीबन 4 साल मैक्सिमम 6 साल आपको लगेगा। अगर 18 है ना, 18 से लेकर मेरी एज 25 से 26 साल हो जाएगी अपनी स्टडी कंप्लीट करते करते, ठीक है, स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, 25-26 हो जाएगी मेरे शादी की उम्र हो जाएगी। अगर कोई मेरे घर पे कोई आता है, ठीक है, आजकल की जो हमारी जो जनरेशन है कि कोई भी हो, ठीक है, किसी को भी बोल रहा हूँ, वो सिर्फ क्या देखते हैं कि लड़की के पास क्या चीज़ है, अपना घर है, गाड़ी है, पैसा है, लड़की को संभाल पाएगा या नहीं समझ पाएगा। आजकल की जो हमारे यूथ के लड़के हैं वो आप लोगों ने देखो, आप लोग भी स्टेटस लगा रहे हैं, काफी मेरे दोस्त लोग भी लगा रहे हैं कि यार पैसा कमाऊंगा तो सबसे पहले मोहब्बत खरीदूंगा, पैसा कमाऊंगा तो सबसे पहले ये करूंगा, सबको पैसे की चाहत है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई रिश्ता आपके घर देखने आता है ना, वो आपका यही सब देखेगा, ये नहीं देखेगा अब मैं बोलूंगा कि मैं डबल मास्टर किया हूँ, ठीक है, और मेरी सैलरी ना 45,000 रुपए, वो आपको खुदा की कसम मुंह भी नहीं लगाएंगे कि यार लड़का 45,000, पता नहीं इसका अपना खर्चा पूरा होता है, होता होगा या नहीं होता होगा, ये मेरी बेटी का खर्चा कहाँ से पूरा करेगा। तो सारी चीजें यही है, सब पैसे का कमाल है और कुछ भी नहीं है। अब मैं मिसाल के तौर में अगर मैं इंटर किया हूँ, ठीक है, आगे मैंने स्टडी नहीं करी और मेरे पास सिविक गाड़ी है, पैसा है, बड़ा घर है, हर चीज है, हर कोई मुंह लगाएगा, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो आपको मुंह ना लगाए, अच्छे अच्छे लोग आपको सलाम करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को कोई भी डिमोटिवेट करता है तो आप लोग नहीं हो डिमोटिवेट, अपने मकसद पे लगे रहें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आप लोगों को ज़रूर, अल्लाह पाक आपको, आप लोगों को कामयाब करे और मुझे भी साथ साथ कामयाब करे, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा है, यकीन जाने 4 दिन हो गए, 4 से 5 दिन हो गए, मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे नींद पूरी किया हूँ, क्योंकि काम में इस कदर मसरूफ था, मैं सोया नहीं हूँ। सिर्फ इंसान तो अगर दिन में लेट रहा है ना तो 2-2, 3-3 घंटे सो जा रहा है, मैं 3 से 4 घंटे सिर्फ रात में सो रहा हूँ, बस सुबह 6 बजे सो रहा हूँ, 10 बजे। आप अभी भी आपको फेस से पता चला होगा कि मैं किस कदर नींद में हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं वीडियो अपलोड करना लाजमी है, तो मैंने बोला चलो आज अपनी स्टोरी भी बता देता हूँ जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते होंगे और कर रहे होंगे, क्योंकि ये सबके साथ प्रॉब्लम्स होती है कि आप अपने अजीज वगैरह से मिलते तो वो आप लोग के साथ ऐसी बातें करते हैं। तो ख्याल रखें कि कोई आपके साथ अगर ऐसी बातें कर रहा है तो करने दें, आप अपने मिशन में लगे रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी कुछ बातें समझ आई होगी, और अगर कुछ बातें बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।